के 15 मिनट की मुलाकात में उन्होंने राहुल गांधी को गलत समझ लिया, 10 साल बाद हो सकता है राहुल गांधी के बारे में उनकी राय बदल जाए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा आज समझ में आएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने के मामले में अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा अमेरिका। He has no aptitude. Now that's a very major statement. No aptitude. Everybody feels so about Rahul Gandhi. No aptitude. ये कोरोना को हल्के में मत लीजिए, किसी को चीट ना। अमेरिका में कई दिनों से चल रही चुनावी हलचल अब थोड़ी कम होने लगी है। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब रिलीज हुई है। राष्ट्रपति से हटने के बाद बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस लैंड लिखी है, जिसमें अपने अनुभवों को साझा किया है। इस किताब की भारत में भी चर्चा है, क्योंकि किताब के अंदर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अन्य कुछ लोगों का जिक्र है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इस किताब का रिव्यू छपा है, जिसमें किताब के अंश लिखे गए हैं। इसी में बराक ओबामा ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह में एक भाव शून्य ईमानदारी है जो उन्हें अलग बनाती है। इसके अलावा कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा ने जो टिप्पणी की है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा ने किताब में लिखा है कि उनमें एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं, जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश में है, लेकिन गहराई से देखें तो योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने के जुनून की कमी है। इस रिव्यू के बाद देश के मीडिया को मानो एक नया मुद्दा मिल गया हो राहुल गांधी पर टिप्पणी करने को लेकर। हैरान करने वाली बात यह है कि मीडिया राहुल गांधी की बात कर रहा है, पर जो बात बराक ओबामा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कही है उस पर मीडिया खामोश है। मीडिया तो मोदी जी का फेवर तब भी कर रहा था जब उन्हें टाइम्स मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ बताया था, और अब अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने आखिरी दो चरणों के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी पर एक विवादित लेख लिखा है। टाइम के कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी का एक स्केच प्रकाशित किया गया है और उसका शीर्षक दिया गया है इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इन 3,352 शब्दों में एक बार भी डिवाइड शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। ये वो कवर है जो आपकी स्क्रीन पर है, मैं भी वैसे आज इसको लेकर आया हूं, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा और एजेंडा क्या है अभी आपको बताता हूं। टाइम मैगजीन के कवर को ध्यान से देखने पर आपको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा आज समझ में आएगा। तो अब राहुल गांधी की आलोचना क्यों, मीडिया राहुल गांधी के फेवर में क्यों नहीं है? इसके अलावा देश में अन्य मुद्दों को छोड़कर मीडिया राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर डिबेट करता दिख रहा है। आप आज तक की ये डिबेट देखिए, जिसमें एंकर कांग्रेसी नेता से बराक ओबामा द्वारा की गई टिप्पणी पर तीखे सवाल कर रहा है। बराक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में कोई बात कही? आपके एक नेता ने बयान दिया कि साहब 10 साल पहले मिले थे, दो मुलाकातों में उन्होंने थोड़ी ना तय कर लिया होगा। आप बराक ओबामा के बारे में खुद के बारे में क्या सोचते हैं अभय जी? अभय जी, आप बराक ओबामा को कैसा नेता मानते हैं? अच्छा, बुरा, खराब? देखिए, मैंने एवरेज, मैंने कंसिस्टेंटली बराक ओबामा को पढ़ा है। बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट हटे और ट्रंप आए तो बराक ओबामा ने कहा कि मैंने ट्रंप से मुलाकात की और ये पाया कि ये बहुत ही परिपक्व नेता है, ये बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं। आप ये कह रहे हैं बराक ओबामा को फैसले नहीं लेने आते हैं? वो आदमी गलत कह जाते हैं, ये कह रहे हैं। आज देखिए आज ट्रंप के लिए ओबामा क्या कह रहे हैं वो सार्वजनिक है। मैं इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ 15 मिनट क्या ये कह रहे हैं कि 15 मिनट की मुलाकात में उन्होंने राहुल गांधी को गलत समझ लिया, 10 साल बाद हो सकता है राहुल गांधी के बारे में उनकी राय बदल जाए? 15 मिनट नहीं, मैंने तो प्रमाण दिए राहुल गांधी जी की परिपक्वता के। देश में कोरोना धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है। देश में कई जगह नए केस आने भी शुरू हो चुके हैं। कोरोना के मुद्दे पर रवीश कुमार ने अपने शो में अधिक जानकारी दी है। सबको पता था कि त्योहार आने वाले हैं, खरीद बिक्री भी जरूरी है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। कायदे से मार्च के महीने की तरह सार्वजनिक अनुशासन कायम करने का अभ्यास इन महीनों में भी होना चाहिए था, ताकि कोई लापरवाह ना हो। दिल्ली के बाहर के लोग यह ना सोचे कि उन्हें छूट मिल गई है, खासकर जिन 5 राज्यों में अब तक सबसे अधिक कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में 45,682 लोगों की मौत हुई है और कल 122 मौतें हुई हैं। कर्नाटक में 11,474 मौतें हो चुकी हैं, कल 21 मौतें हुई हैं। तमिलनाडु में कल 25 मौतें हुई हैं, अब तक 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 7,500 से अधिक लोगों की मौत हुई, कल 54 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली में 104 लोगों की मौत हो चुकी है, 7,332 कुल मरने वालों की संख्या है। इसलिए कोरोना को हल्के में मत लीजिए, किसी को चीट ना करें।
मीडिया ने कोरोना जैसे मुद्दे को नजरअंदाज किया। इसके अलावा सेकंड क्वार्टर में भी देश की जीडीपी नेगेटिव में ही रहने का अनुमान है। गिरती अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए, पर मीडिया को तो देश की अर्थव्यवस्था से क्या लेना, वह तो राहुल गांधी पर टिप्पणी करने में व्यस्त है। रिपब्लिक टीवी पर अर्नब ने अपनी डिबेट के जरिए इस मुद्दे पर चर्चा की और कुछ तंज भी कसे। ओबामा वेंट मेंट व्हेन ही सेड इट वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ही सेड ही हैज दिस नर्वस अनफॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट व्हिच मींस इट्स लाइक एन इमैच्योर पर्सन यू नो हुज ट्राइंग टू इंप्रेस पीपल दैट आई नो एवरीथिंग ही नोज नथिंग. He has no aptitude. Now that's a very major statement. No aptitude. Everybody feels so about Rahul Gandhi. No aptitude. Zero ability. Zero passion. Lot of arrogance. Will you file an FIR? Will you please do one thing? I'll tell you. Because when I called Sonia Gandhi, Antonia Maino, you put about 500 FIRs on me. You have to file FIRs on Barack Obama, and Mumbai police must call him for summoning also. Mumbai police must summon him tomorrow morning. No, but I think Subhrashta, the Obama does not know the might of the Congress party. खैर आपको बता दें, जो मीडिया मोदी जी की तारीफ करता रहता है, उन्हें भी यूएसए ने वीजा देने से मना कर दिया था। उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद ही वीजा दिया गया है। गुजरात दंगों के बाद 2005 में अमेरिका ने मोदी को राजनयिक वीजा देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने मोदी के पर्यटक और व्यापारिक वीजा को भी निरस्त कर दिया था। अमेरिकी प्रशासन ने नामों के ऊपर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। नरेंद्र मोदी की बात यहां सबसे पहले करेंगे, क्योंकि अमेरिकी वीजा पर अब एक और नया अड़ंगा सामने आ रहा है। जी हां, अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने अब सिफारिश कर दी है कि मोदी को अमेरिका का वीजा जो है नहीं मिलना चाहिए। मोदी पर जो वीजा का बैन लगा हुआ है वो आगे भी जारी रहना चाहिए। रिलीजियस कमीशन जो है अमेरिका का, उसने कहा है कि 2002 के दंगों में मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने के मामले में अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा अमेरिका। पिछले हफ्ते 25 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को चिट्ठी लिखकर मोदी को वीजा देने के लिए लगी रोक बरकरार रखने की मांग की थी। अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी कि मोदी सरकार 2002 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिला पाई है, इसलिए उन्हें अमेरिकी वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। Have you changed, US has changed its mind as far as providing or giving visa to Chief Minister Modi? After all these developments, I mean. With regard to Mr. Modi, our lines have not changed here. He is welcome to apply. He is welcome to apply. Previously, you haven't said that. You're saying that there's no change in U.S. policy on his visa. So. Well, there is no change that he is welcome to apply. All visa decisions are made on a case-by-case basis, and I'm not going to prejudge it here. We've said at all points that like any other visa applicant, he's welcome to apply and we'll review the case on the merits. तब के मीडिया में शायद ही कोई हो जिसने इस मुद्दे पर मोदी जी की आलोचना की हो, पर आज का मीडिया तो मोदी जी पर की गई हर टिप्पणी को झूठा साबित करने में लगा रहता है। खैर, आने वाले समय बताएगा कि मीडिया के ऐसे ही जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज करता रहेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.